ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। शाह मर्दान परवरदिगार ला सदा इल्ला वली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जाने दो कि मुझे मरना है, मैंने तय कर लिया है। मगर क्यों? मैं इस धोखाबाज दुनिया में नहीं रहना चाहता। अरे आज तो मरना है, बस मुझे जाने दे, बस मैं मर जाऊंगा, बस अब मैंने तय कर लिया है। मुझे छोड़ दीजिए वरना मैं आप सबको लेकर बाहर डूबूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, अरे मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। Come on, Jules, boy! Come on! एक जान हजार आफतें और उस पर नई मुसीबत ये कि आप लोग मुझे मरने नहीं देती। यही टॉम पूछता है, तुम गाय को मरना मांगता है। मेम साहब पहले मुझे डूब जाने दीजिए, फिर बताऊंगा। अरे जब तुम डूब ही जाएगा तो बताएगा कौन? ये जमीन बताएगी, आसमान बताएगा, घर घर में मेरा मातम होगा। कौन जाने आप लोग भी रोए। जुगनू मालूम होता इसका स्क्रू ढीला है। जुगनू? किसका नाम है जुगनू? किसने पुकारा जुगनू? कहाँ है जुगनू? हमारा नाम जुगनू है। क्यों? ओ, हमारी मंगेतर का ही नाम जुगनू है। ए, तुम बहुत गर्व वाला आदमी मालूम होता है। चलो छोकरी लोग, चलो जाओ बाबा, जाओ जाओ डूब में, जाओ जाओ चलो जाओ। अरे यार सूरज, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। ये शुरू नहीं भाई साहब, आखिर है, आखिर। ये सूरज का हिस्सा है, बस ये दो किले और एक मौसम्बी। अरे भाइयों, अरे इतनी तरकीब लड़ाई हमने, इतना चिल्लाए हम, और उस पर इतना थोड़ा खाना। तूने वहाँ सीन लंबा कर दिया था, यहाँ खाना छोटा पड़ा। बारात से दूल्हा ही गायब है। यार सूरज, तुम तो वहां जाके चिपक ही गए थे। हमारे चिपकने की तो बात ही थी। अरे हाँ, ये तो बता, तीनों में अच्छी कौन थी? अरे यार वही सारी वाली। हाँ तो यार वो तेरा पकड़े थी, मगर करंट मेरे पास हो रहा। अरे बापे बापे, वो देखो फौज आ रही है, मशीन गन और कारतूस सब इकट्ठे हैं, भैया तैयार हो जाओ। फौज आ गई, आ गए हैं। दिल में भावरी होंगी ऐसी खुद सर बीबियां, दिल में
nonsense. मैम साहब क्या मांगती हैं? शायद लेमनेड मांगती हैं। Shut up! हम पूछना मांगता है तुम लोग हमारा खाना क्यों खाया? ए, जनाब उधर कहाँ छिप रहे हैं? जरा सामने तशरीफ लाइए। इसीलिए डूब मरना चाहते थे। मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, हट जाओ, मैं डूब मरूंगा हमारा खाना हजम करने के लिए। हम अरे साहब, पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता, चोरी भी करता है, डाका भी डालता है। शर्म नहीं आती ये कहते हुए मर मर के हम औरतें खाना पकाएं और मर्द खाएं? ये कहाँ की शराफत है? ये तो हमारे हिंदुस्तान की पुरानी रीत चली आई है कि औरतें पकाएं और मर्द खाएं। अब हम लोग क्या खाएगा तुम्हारा सर? वो तो आप बड़ी देर से खा रही हैं। और अब मेरे ख्याल में आप लोग ठंडी हवा खाइए। तुम लोग हमारा खाना खाकर भी इस बात पे बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं मालूम होता? लाया दिलीप, पानी ला, पानी कितनी देर से खड़े हैं। दिलीप मैन साहब। अच्छा दिलीप साहब, आप भी इसमें शामिल हैं? ओह आई सी, अब हम समझा, ये तुम्हारा कॉलेज का छोकरा लोग। मुझको नहीं मालूम था ये खाना आप लोगों का है, वरना मैं। अरे दिलीप, तू तो कहता था कि मेरा कोई नहीं है भाई, यहाँ तो खानदान का खानदान। यार बड़ा छिपा रुस्तम निकला। अच्छा लाओ इसी बात पे किसी का हाथ पकड़वाओ, चलो लाइए साहब। मेरा मतलब इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस। अरे भाई हम भी हैं। अरे यार मेरा भी हिस्सा है। अरे भाई मैं भी हूँ। यार आज तो पांचों उंगलियां घी में होता, लड़ाई में था। अबे ये साइकिल तो सब पंचर है। यार ये खाना तो बड़ा महंगा पड़ा। यार बड़े घाटे में रहे, हम तो मजे में रहे प्यारे। ये देखो अबे ये किसकी उड़ाई है? ये तो बड़ी अच्छी लिया है। ये किसकी उड़ाई है? ये नहीं बता सकते कि किसकी है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं प्यारे कि ये है किसी लौंडी की। देख क्या खुशबू आ रही है। अबे तो रिंग पेरिस में रहा है, बहुत उम्दा है। मगर ये तो किसी जनानी की है, इसे करेगा क्या? अबे छोड़ यार, तेरी हर बात जनानी होती है। मैं इसका स्लीपिंग पाजामा बनवाऊंगा। अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रुमाल पुराना छोड़ गए। जल्दी में लिपस्टिक भूल गए, रूमाल पुराना छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का किस्सा छोड़ गए। सब कुछ तो बताया हमने मगर पिट जाने का किस्सा छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। मुफलिस थे जनाबे मजनू भी, सुनते हैं जब उनकी मौत आई। पाकिट से न निकले एक बाई, लैला का वो कुत्ता छोड़ गए। पाकिट से न निकली एक बाई, लैला का वो कुत्ता छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को। तलवार दिखा कर हमने कहा करती हो हमें तुम क्यों रुसवा। सुन लोग किसी दिन मुरलीधर
की किसी दिन मुरलीधर इस इश्क में दुनिया छोड़ गए को अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ अबे यार अगर तू नाई के खानदान से नहीं तो दर्जी तो तू जरूर है यार मालूम तो कुछ ऐसा ही होता वरना तू इतनी जल्दी चादर और काट छाट कर ये पजामा बेटा कैसे सी लेता भाई भाई बात तो पता ही कही क्यों सब लोग जलते हो देखना अभी क्या रात को जब इसे पहनकर सोऊंगा हेलो मिस जोलियट कम इन कम इन कहो मैं यो रख लियो का देखो तुम्हारा छोकरा लोग हमको बहुत तंग किया क्या हुआ बहुत खराब बात किया मेरा मजाक बोला वो लोग पिकनिक पर हमारा खाना खा गया हमको भूखा मरना पड़ा छोकरियों का लिपस्टिक पाउडर कंघा सब चीज चोरी किया और तुम जो हमको रेशमी चादर प्रेजेंट किया था वो भी ले गया ओह माय गॉड कौन कौन था हम सबको ने ये कुछ जानता है वो लड़का जो जुगनू के गाँव का है क्या नाम ओ यस दिलीप चपरासी सब लड़कों को बुलाओ ये के थमिया के बदले धरे होगा यूं तो हुई की तारे मोट है तेरा ये क्या बोलता है आपकी तारीफ कर रहा है ओह रामू तुम बाहर ठहरो मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ तनी जल्दी बुलायो नहीं तो घुस आओ डियर हमने वो चादर तुम्हें मोहब्बत की निशानी दी थी तुम्हें उसको हर वक्त गले में लपेट कर रखना चाहती था तुमने इतनी लापरवाही से रखा कि लड़के उठा ले गए मालूम होता है तुम्हें हमसे प्यार नहीं नो नो डियर ऐसा मत बोलो आइए तशरीफ लाइए ये भी था और ये भी था ठहरिए आप लोग सभी इधर आइए ओ मिस्टर सूरज आज आप सुबह सुबह यहाँ कैसे तशरीफ लाए जी कल मैं यहाँ किताब भूल गया था वो लेने आया था मैम साहब को आप लोगों ने बहुत परेशान किया पिकनिक पर लड़कियों का खाना क्यों खा गए मैम साहब की चादर कहाँ है बाप रे बेडरूम की चादर भाई साहब पाले वाला नहीं यार मैं नहीं जाता लड़कियों की चीजें क्यों गायब करी आप लोगों को शर्म नहीं आई लड़कियों से मजाक करते हुए उनका सारा खाना खा गए बड़े अफसोस की बात है उनका पाउडर लिपस्टिक चुरा लाए मैं कह रहा हूँ सब सामान निकालिए जल्दी निकालिए खामोश हमारा चादर किधर है उधर क्या है क्या देख रहे हो तारा कुछ कुछ नहीं प्रोफेसर साहब कुछ नहीं मैम साहब आप घबराइए मत आपकी चादर मिल जाएगी प्रोफेसर साहब आप इन सब लोगों को जाने दीजिए मैं शाम तक चादर ढूंढ निकालूंगा मैं वादा करता हूँ अच्छा आप लोग तशरीफ ले जाइए आइंदा कभी ऐसी हरकत ना कीजिएगा जाइए नाथ मैडम आपकी लड़कियों ने कितना चंदा जमा किया तुम्हारा लड़कों से ज्यादा जमा किया है और भी कर रही हैं वेरी गुड वेरी गुड नाथ मैम साहब को स्टेज दिखाओ यस सर आइए थैंक यू मैडम ये स्टैचू देखा आपने ओ इट्स फाइन ब्यूटीफुल नाथ इसे स्टेज पर ले चलो मैडम इस स्टैचू पर हमारा तमाम ड्रामा बेस है जिसका नाम है संतराश इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बेचारे संतराश ने इसके बनाने में अपनी तमाम जिंदगी खत्म कर दी आइए ओह माय गुडनेस माय चादर माय चादर नाथ
जिंदगी अपनी। शोक निगाहों में उल्फत की कहानी थी, उल्फत की कहानी थी। सुनते सुनते ही जिसे पल में हलचल सी मची दिल में, हलचल सी मची दिल में। मोहब्बत लेके अंगड़ा की जमा हूँ, ये लगी अपनी मंदी दिल की मचली। सता रही है मुझे? किसकी याद सताएगी? बनो नहीं, हमें सब मालूम है। जुगनो, अरे तुम लोग किधर क्या करता है? मैटरन साहब वाला चंदा लेने ले गया। अरे हम लोग तो भूल ही गए थे, इसीलिए तो मैं कहती हूँ चुप चुप कुछ नहीं चलो। यार सूरज तू भी अजीब आदमी है यार, वहां सब इंतजार कर रहे हैं और आप लड़ साहब बंगले से निकल रहे हैं। क्या करूं यार, सो गया था, बस अब चलते हैं। आप लोगों को चंदा नहीं मिल सकता, मैं लड़कियों से वादा। कल पिताजी घर में नहीं थे, वरना उसी वक्त उन्हें चंदा मिल जाता। ऐ हुजूर, हमें भी तो उन्हीं लोगों ने आपके पास भेजा है। ये कैसे हो सकता है? आप लोगों को चंदा लेने के लिए वो लोग कैसे भेज सकती हैं? ये तो आप जानते हैं कि हमारा और लड़कियों का कॉलेज एक ही है, हम लोग सिर्फ पढ़ते अलग अलग हैं। चंदा लड़कियां जमा करें या लड़के, फायदा दोनों का होना है। बिल्कुल ठीक। अरे साहब, इंस्टीट्यूशन एक, हम सब एक, चंदा एक और मकसद एक। फिर आप लोग इतना जोर क्यों देते हैं? लड़कियां आएंगी, चंदा ले जाएंगी। लड़कियां आज एक दूसरे मोहल्ले में चंदा लेने गई हैं और उन्हीं लोगों ने हमें आपके पास चंदा लेने के लिए भेजा है। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? जाओ बेटा, इन्हें चंदा ला के दे दो, ये मानने वाले नहीं। दे दो बेटा। लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लीजिए। नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। अरे साहब, आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? चंदा तो हम लिए जा रहे हैं। क्या मतलब, इन लोगों ने आपके नाम से चंदा ले लिया है? बिल्कुल ठीक। आप लोगों ने तो आखिर कहा था कि इनके यहाँ से जाके चंदा ले, क्यों कहा था या नहीं कहा था? क्यों जनाब, आप लोग? अरे साहब देखिए, वो नमस्ते। अच्छा, बहुत इन लौंडियों को फूंकी निकालने में मजा आता है यार। ये चंदा तो महंगा पड़ा। बेटा उल्लू बना गई सबको। अच्छा तुम लोग चलकर चौक में ये पंक्चर ठीक कराओ भाई, मैं जरा घर से हो जाता हूँ। भाई तेरे बगैर चंदा नहीं होना है। अरे भाई मुझे पिताजी से एक बहुत जरूरी काम है, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ ना, ये साइकिल भी बदल लाऊंगा। ला लो भाई, आप सब चीज देंगे। मैं आता हूँ जो कह रहा हूँ। अच्छा जल्दी सूरज भैया, आता हूँ। लो भाई उठाओ अपनी अपनी साइकिल। यहाँ चंदा ज्यादा मिलेगा। ए शांति शांति, अरे ये तो यहाँ भी आ गया। आप यहाँ भी तशरीफ लाए जी, कुछ और गड़बड़ करने के लिए? रास्ता रास्ता रास्ता। ठहरिए, जब तक हम लोग चंदा न ले लें आप आगे नहीं जा सकते। अरे साहब चंदा आप लोग बड़े शौक से लीजिए, लेकिन मुझे तो अंदर जाने दीजिए। नहीं, 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 नहीं जा सकते। अरे साहब मैं यहाँ चंदा वंदा लेने नहीं आया हूँ। तो फिर कोई नई चाल चलनी होगी। अजी साहब आपको देख कर तो मैं पुरानी चाल भूल जाता हूँ, नई चाल क्या चलूंगा। वहाँ तो आप लोगों ने मेरी साइकिल पंचर कर दी और यहाँ अब मुझे अपने घर में नहीं जाने देते। जी हाँ, जब रोके गए तो अपना घर बताने लगी। अरे साहब तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये घर मेरा है। जी हाँ, वैसे ही ना, जैसे वो खाना आपका था, फिर वो चंदा आपका, और अब ये घर भी आपका है। अच्छा मैं जाता हूँ, आप भी चंदा वसूल कीजिए। चलियो चलिए, ये ठीक है, ऐसे ही होना मांगता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं, सब दरवाजे ही बंद है। छोटे बाबू, बाबूजी पिछले दरवाजे से कहे आया? अबे तू क्यों पूछता है? पिताजी घर में है? घर में कोई नहीं, तुम लोग बाजार गवाह हो। को घंटे बजाते हैं। सुन 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 सुन, मालूम होता है ये घर का घर अफ्यूनी है। बेल की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। ओ आइए आइए आइए, वो बड़ी जल्दी तशरीफ लाए। के का पूछत हो? राय साहब घर में है? हमें अच्छा, उनसे जाकर कहो कॉलेज की लड़कियां चंदा लेने के लिए आई हैं। आवा आवा बैठका में बैठा। चलो बैठा, बैठा। बहुत शुक्रिया नहीं बाबूजी, एक से बढ़ के एक तेज। माँ कसम बिजली है, बिजली। चार गिनाता है तो दो ही रह जाती है बाबूजी, और दो ही गिनाता है तो चार रह जाती है बाबूजी। अच्छा देख, तू जाके उन लड़कियों से कह कि सब लड़कियों के अंदर आने की जरूरत नहीं, बस एक लड़की अकेली आके चंदा ले जाए। अकेली बाबूजी? हाँ कहाँ गड़बड़ कर। अबे गड़बड़ नहीं, मैं उस कमरे में बैठा हूँ, वहीं ले आना। जा जा। और सुन सुन, अगर बाबूजी आए तो बता देना भैया। कहा बता दी है कि छुकरी लिए बैठे कमरे? अबे ना 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 ना, मुझे बता देना कि बाबूजी आ गए। चल भाग चल, भीतर बुलाते हैं। चल चल चल। सब नहीं, अकेली एक जन। क्यों अकेली? ओ माय गॉड, हमार मालिक भीड़ भाड़ बब्बस से बहुत घबराता है।
अच्छा तो बोला के चली। लता तुम चली जाओ, तुम्हारी साड़ी वाड़ी भी जरा ठीक है। नहीं भाई, मुझे ना भेजो। आज मेरी दहनी आँख सुबह से रह रहकर फड़क उठती है और अगर कहीं वहां दब गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। मोना तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे साहब जवान है या बूढ़े? दोनों है। बड़े रंगीले, बड़े मौजी, देगा कुछ तो दे देते हैं कुछ। ना बाबा, कुछ का कुछ मिले तो जुगनू तुम ही जाओ। शक्ल भी अच्छी है, ड्रेस भी, और बात तुमसे अच्छी हम में से कोई नहीं कर सकता। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। जुगनू, बूढ़ा हो तो कैश ले लेना और अगर जवान हुआ तो क्रॉस चेक भी चलेगा। आवा आवा। कहाँ तुम्हारे सेठ साहब? ये रहे कमरवा। आवा। ये कहाँ रहे बाबूजी? नमस्ते। नमस्ते। हमारे कॉलेज में ड्रामा होने वाला है, हम चंदा लेने के लिए आए हैं आपके पास। तो और पास आइए। बैठ जाइए। हाँ तो क्या फरमाया आपने? आप इस मकान के अंदर कैसे पहुंच गए? अजी मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये घर मेरा है। वो तो खैर हुई जो पीछे दरवाजा था, वरना आपने तो घर निकाला दे ही दिया था। फिर तो बहुत तेज है आप। ये क्या, छोड़िए मेरा हाथ। क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ता, मैं तो बदला ले रहा हूँ। कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था, क्या क्या मिन्नतें की थी। छोड़ा था आपने, मगर वो तो आपकी जान बचाने के लिए था। तो अब आप क्या समझती? ये हाथ छूटा तो मैं जिंदा भी रहूंगा। अच्छा मेरा हाथ छोड़िए। बाहर सब लड़कियां बैठी हैं, जुगनू अभी तक चंदा ही ले रही है। चंदा जरा लंबा मालूम होता है। अच्छा मैं अभी देख कर आती हूँ। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। बार बार वही होता है जो ईश्वर चाहता है। और ईश्वर क्यों चाहता है ये वही जानता है, वरना कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ वो पिकनिक, कहाँ वो चंदा और ये घर। उस पर मजा ये कि मैं बुलाना भी आप ही को चाहूँ और आप ही आए भी। मुन्ना भी उधर जाकर रह गया। मालूम होता है राय साहब सरेस का कारोबार करते हैं, जो जाता है बस चिपक के रह जाते हैं। उस पतंगे की तरह जिसने पर निकलते ही दीपक देखा, खुशी से फूला न समाए, गिरत फिरे चक्कर लगाए, मुंचू में जलता जाए। अरे ये सब लड़कियां कौन हैं? पिताजी ये तो मेरे कॉलेज की लड़कियां हैं, शायद चंदा लेने के लिए आई होंगी। शशि तुम्हारा मकान है? हाँ हाँ। हम लोग तो यहाँ बड़ी देर से बैठे हैं। सच में? हाँ हाँ। बंसी। हजूर। अबे भागता क्यों है? देख कुंवारे लाल पान वाले की दुकान पर दर्जी खड़ा है, उसे जाकर कहे कि जल्दी मेरा सूट लेकर आए। बहुत अच्छा। उधर कहाँ जाता है बदतमीज कहीं का? तुम्हें देख लेंगे यहाँ तो मुसीबत हो जाएगी दोनों की। क्या करें? जल्दी से चलो। जैसे मेरे नाना की लड़की। अरे तो क्या होगा? छुप जाना चाहिए। इसके इसके पीछे इस चंदे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हजूर दर्जी कल लाए कहीं से? Thank you.
थी? हजूर। ये काय की आवाज है? क्या है वहाँ? कुछ नहीं हजूर, चूहा साहब काटा कुटी मचाए। अबे बाबूजी को बाहर भेज, किसी तरह बाहर भेज, ये लड़कियां चंदा लेने आई है। चंदा चंदा हजूर, बाहर छकुरियन चंदा मांगत है। जाओ उनसे कह दे कि चंदा वंदा नहीं मिलेगा, चंदे का बच्चा। हम लोग कब तक यहाँ इसी तरह छुपे बैठे रहेंगे? जब तक पिताजी यहाँ आए। अगर वो रात तक यहीं बैठे रहे तो हम भी रात यहीं बिताएं। अरे वाह, क्या हर्ज था कि हम उनसे साफ कह देते कि हम चंदा लेने के लिए आए हैं। अरे अगर ये तरकीब न लड़ाते तो हम एक दूसरे के इतने करीब कैसे हो? इतने पास है सिर्फ हमारी बातें, हमारे दिल। अच्छा, तो ये सब आपने जानबूझकर शरारत की है। मैं उठती हूँ। जाओ जाओ जाओ। पिताजी। ठहरो ठहरो। भैया, अरे जुगनू बहन। सूरज, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? जी जी, मैं चंदा दे रहा था। अबे ये कौन सा फ्रांसीसी कायदा निकाला है चंदा देने का? जी नहीं, हम लोग तो आपके डर की वजह से छुप गए थे यहाँ, वरना। और अगर डर ना हो तो तू खुल मुखुला इश्क कर सकता है इस मकान में, यही ना? जी नहीं, मैं तो। चुप रहो। तुम काली से चंदा लेने आई थी या ये नेवर माइंड करने? क्या हुआ? यही तालीम है जिसके लिए चंदा वसूला जा रहा है घर घर, बेहयाई की ये हद। क्या हुआ? क्या हुआ जुगनू? मैं बताता हूँ, ये और हमारे सपूत सोफे के पीछे बैठकर प्रेम फरमा रहे थे। क्या तुम लोगों को कॉलेज में यही सिखाया जाता है? इसका जवाब तुम्हारा प्रिंसिपल देगा। जाओ, कोई चंदा मंदा नहीं है, जाओ। तुम हमारा नाम बदनाम कराया, अपना भी और सबसे ज्यादा कॉलेज का। क्या कहेगा लोग? तुम्हारा मम्मी डैडी हमारे ऊपर छोड़ा है तुमको, उनको क्या जवाब देगा जब तुम्हारा ये बात सुनेगा? मगर मेट्रन साहब। नहीं, कुछ नहीं, तुमको सजा मिलेगा। तुम्हारा हॉस्टल से निकलना 3 हफ्ता के लिए बंद। जाओ। मोहब्बत के बाद तो लोगों को अंधे होते देखा है, लेकिन मोहब्बत के पहले नहीं। ये यार तेरी पहली मिसाल रही। अच्छा खैर छोड़ो, अब जो हुआ तो हुआ। अरे वाह, उस गरीब ने मेरे लिए सब कुछ किया और मैं उसे यूं ही जाने दूं? उस पर क्या क्या बीती होगी। उस गरीब का बोर्डिंग से निकलना तक बंद हो गया, अब उससे माफी मांगी जाए तो क्यों कर। मैं एक तरकीब बताऊं? हाँ बताओ। तुम लड़की के बाप बन जाओ। क्या बकते हो यार। भाई मेरे, वक्त पड़ने पर लोग गधे को बाप बना लेते हैं और तुम तो लड़की के बाप बन रहे हो। फर्स्ट क्लास तरकीब है जुगनू से मिलने की। हमसे क्या छुपाना, हमने तो खुद छिप कर तुम्हारी और सूरज की बातें सुनी और देखी हैं। तुमने क्या देखा? वही दीपक के सामने पतंगे का नाच, जो खुशी से फूला ना समाए, गिरत फिरे चक्कर लगाए, मुँह चूमे और जलता जाए। हाय, तुमने ये सब देख लिया? जुगनू बाबा, मैम साहब आपको ऑफिस में बुला रही हैं। हम पाठ करेंगे ड्रामा में, ऐसा कौन बोला तुमको? प्रोफेसर रोमियो साहब कहते थे। नहीं नहीं, वो मजाक किया, हम पाठ नहीं करेगा। प्रोफेसर साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, अक्सर क्लास में भी। ओह, अच्छा तो तुम क्या पिएगा, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं। मैट्रन साहब, आपने मुझे बुलाया है? नो, मैं रुपया देने आया। पहली तारीख में अभी 7 रोज बाकी हैं, क्या चाचा जी ने आपकी जल्दी रुपया भेज दिया? हाँ, शायद उन्हें गांव जाना होगा।
ये रुपया मैं तुम्हें अपने पास से दे रहा हूँ, शायद तुम्हें जरूरत होगी। शुक्रिया। अच्छा, जब चाचा जी भेजेंगे तो तुम ले लेना। लूँ या न लूँ, वो भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, और मैं भी तुम्हारा बनना चाहता हूँ। क्या मतलब दिलीप बाबू? लड़कपन हम दोनों ने साथ बिताया, अब जवानी आई, ये भी क्यों ना साथ बीते। ये आपको यकयक क्या हो गया? नहीं जुगनू, मैंने जब से सूरज का और तुम्हारा मामला सुना है मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ तुम मेरा हाथ थामो, कोई दूसरा तुम्हारा हाथ थामे ये मैं नहीं देख सकता। हर गाना अपने वक्त पर अच्छा मालूम होता है, बेवक्त की शहनाई फजूल समझी गई है। वो क्यों? जब तक मैं बीए न कर लूँ कुछ तय नहीं कर सकती। ये रुपए वापस लीजिए। क्यों, क्या बात हुई? अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं, मैट्रन साहब आ रहे हैं। अच्छा, मेरी तरफ से चाचा जी को नमस्ते लिख देना। अबे दिलीप आ रहा है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हम अंदर आ सकते हैं? कम इन। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। यस, आप क्या मांगता? जी, मैं अपना लड़की से मिलने के लिए आया। कौन लड़की? जुगनू। ओ जुगनू, आप उसका कौन है? मैं उसका फादर। ओ ऐसे, हाउ डू यू डू। और आप? ये उसका मामा। हेलो, एक्सक्यूज मी, चपरासी। कहने लगे लड़कपन साथ बिताया है तो जवानी भी साथ बीते, लो अब जवानी भी मेरे ही साथ बिताना चाहता है। मेम साहब, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लड़की घर घर चंदा मांगती फिरे। मैंने उसे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, भीख मांगने के लिए नहीं। क्यों साहब, आप भी बोलिए, आखिर मामा है। बहुत ठीक है राय साहब, कॉलेज का काम है, कुछ शर्म नहीं, ये भीख नहीं होता। फिर ये जुगनू की बदनामी कैसे हुई? और ये सूरज कौन है? नहीं नहीं, बदनामी का कोई बात नहीं, अभी हम इंक्वायरी करता। हाँ अलबत्ता, हम उसका कोठी से बाहर जाना बंद किया। मैं भी यही सोचता था कि हमारी जुगनू ऐसा तो नहीं कर सकती। राय साहब, तुम्हारा छोकरी देखने में तो बहुत अच्छा है, हो नहीं सकता है सब झूठ हो। राय साहब, बहुत देर हो रही है। मैम साहब, मैं जुगनू से अलग मिलना चाहता हूँ। ओके, चपरासी किधर मर गया? ओ चपरासी, चलिए हम आपको ले चलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ दलीप भी आया था रुपया देने के लिए। यस यस, चलिए दिस वे। जुगनू, ये तुम्हारा डैडी आया है। जुगनू, तुम जानती हो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तुम्हारा और सूरज का मामला सुन। वो तो खैर हुई जो मेम साहब ने बता दिया कि ये सब झूठ था। तुम इतनी घबरा क्यों रही? आदाब नमस्ते सब भूल गए? नमस्ते पिताजी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं ये सोच रही थी कि आप यकायक यहाँ कैसे आ गए। बस खास इसी वजह से मैं आया था। ये सुनो, मगर ये क्या मजाक है, अपने घर से निकलवाने के बाद अब क्या चाहते हो, बोर्डिंग से भी निकाल दी जाऊं? हाँ सब बिगड़ लीजिए। जानते हो तुम्हारी वजह से क्या हुआ मेरे साथ, बदनामी की बदनामी हुई और बोर्डिंग से निकलना भी बंद हो गया। देखिए साहब, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ और सिर्फ माफी मांगने के लिए आया हूँ, ये गलती वाकई सब मेरी थी। अरे कहिए साहब, आप ही कुछ सिफारिश कीजिए ना। कोई माफी आप ही नहीं मिलेगी, निकल जाइए यहाँ से, जाइए। अच्छा साहब, ये लीजिए सर।
ऐसे नहीं, अपनी दाढ़ी लगा कर जाइए। अब क्या चाहते हैं, हम यहाँ से खड़े खड़े निकाल दिए जाएं? तो फिर बैठ जाइए, आइए आइए। अच्छा जुगनू, अब तुम इन्हें माफी दो, मैं तो चली घर, कल फिर आऊंगी। तुम नाराज मालूम होती हो। मैं नाराज हूँ या नहीं, पहले आप ये बताइए कि आपको हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की? अगर मैटन को मालूम हो जाए तो क्या होगा? प्रेमी अंजाम को कभी नहीं सोचता। अंजाम में मोहब्बत किसने सोचा, होगा वही जो होना है। सारा जीवन सुख में कटे या सारा जीवन रोना है। बैठो बैठो। जुगनू, तो तुम सचमुच नाराज हो? तो मेरे दिल के अंधेरे में अपनी चमक से उजाला कर दो। उल्टी बात, जुगनू तो खुद ही सूरज की रोशनी में खो जाता है। और माफ कीजिएगा मैम साहब, आपकी उम्र क्या होगी? तुम क्या समझता? मेरी नजर में तो यही 20-21 या ज्यादा ज्यादा 22। ओह रियली? हम ऐसे मालूम पड़ता? अरे बिल्कुल साहब। और माफ कीजिएगा मैम साहब, चेहरा भी खूब है और जिस्म, आहा, पूरा डंप प्लॉट। व्हाट इज डंप प्लॉट? डंप प्लॉट यानी मेरा मतलब है बहुत खूबसूरत, यानी जिसका कोई जोड़ नहीं, डंप प्लॉट। बड़ा मुश्किल से ऐसा बॉडी बनाया, बहुत कसरत करता है हम। जस्सी, माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं जरा देख सकता हूँ? श्योर। लवली, ब्यूटीफुल, वंडरफुल मैम साहब, सिंपली मार्वलस। माफ कीजिएगा मिस्टर, हमारा कॉलेज में ड्रामा होने वाला है, थोड़ा आप चंदा दो। चंदा? जरूर जरूर, ये तो हमारे ब्रदर इन लॉ साहब है ना, इन्हें आ जाने दीजिए, अभी मैं देता हूँ आपको चंदा। ओह गुड, हम उनसे भी जाके लेंगे। वो अभी आए, यहीं आते। नो नो नो, यू ठहरो, हम उधर जाते। डैडी किधर? बाथरूम में। ओह कोई खास काम मैट्रन साहब? ये सब उनसे ड्रामा का चंदा लेने आया है। पिताजी जल्दी निकलिए ना, मैट्रन साहब यहाँ बैठी हुई आपका इंतजार कर रही हैं। मेटन साहब आप चलिए, मैं डैडी को लेके आती हूँ। नहीं, हम खुद बोलना मांगता है। What's the matter? डैडी आता है। माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो गई। Yes, I want to. चंदा लेने के लिए आई। हाँ जरूर जरूर जरूर। जुगनू, हम तुम्हें घर जाकर 50 रुपए भिजवा देंगे, तुम मेम साहब को दे देना। और मेम साहब एक बात, वो जुगनू की सजा है ना, वो आप माफ कर दीजिए। ये जुगनू बहुत अच्छा लड़की है, ये बहुत अच्छा लड़की है। ऑल राइट ऑल राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम साहब। तुम किधर गया था, इतने चिनाते तुम सुन तो नहीं है? मैम साहब आप ही ने तो बाहर काम से भेजा था। ओह आई सी आई सी। अच्छा
I'm sorry. It's all right. Hey, तुम कब आया? अब वो दूसरा साहब किधर गया? हमको नहीं मालूम. तुम क्या मांगता? कुछ नहीं, हम तो क्या फिर चोरी करना आया? मिलने को आया मैं. चलो क्या करना चाहिए, जिन्होंने अपनी लड़कियां देकर आप लोगों की मुश्किलें आसान कर दी. अब आप लोगों को चूड़ियां नहीं पहनना पड़ेंगी, ना जनाना पाठ करना होगा. मैट्रन साहिबा ने जुगनू को हीरोइन के लिए सिलेक्ट किया है, आप लोगों को एतराज तो नहीं? बिल्कुल. अब हीरो का सिलेक्शन बाकी. आई प्रपोज टू दलीप. दलीप प्रोफेसर साहब, मैं इनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ. मैंने हमेशा कॉलेज में हीरो का पार्ट किया है. और प्रोफेसर साहब, मैंने भी कभी हीरो के अलावा और कोई पार्ट नहीं किया. मैं इनसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ. मैं इनसे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ. खैरो भाई, अपनी समझ में कुछ नहीं आता. मैट्रन साहबा, आप ही फैसला कीजिए कि हीरो कौन बने. हाल में नो 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 हीरोइन डिसाइड करे हीरो कौन बने. कम ऑन बोलो. दलीप. क्यों बरपुरदार, मैं ना कहता था भगवान को समझ लेना आसान है, लेकिन औरत जात को समझना बहुत मुश्किल है. कहाँ तौली चित हुई है आके. अम हाँ यार, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी. सूरज बेटा, न जाने कहाँ बैठे फड़क रहे होंगे. यार जुगनू ने तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. बुद्धू हो तुम, औरत जिसको दिल से चाहती है उसका नाम जुबान पर कभी नहीं लाती. कुछ भी हो, दिलीप को मैं जुगनू के साथ हीरो नहीं देख सकता. अब क्या हो सकता है? क्यों, सब कुछ तो तय हो चुका. अबे तो तू ही कुछ जादूगरी दिखाई, तो तेरे बाएं हाथ का खेल है. हाँ बोल बोल बोल, कुछ तो बोल. एक तरकीब हो सकती. हाँ क्या, क्या बोल. जोर से कहने की नहीं. अच्छा, अच्छा आस्ते बोल. अबे ये कैसे हो सकता है? जरा पर्दा तो उठने दे. Thank you.
जवानी फिर नहीं आनी, लूट जवानी फिर नहीं आनी, बीत गई तो एक कहानी, बीत गई तो एक कहानी, लूट जवानी फिर नहीं आनी, लूट जवानी फिर नहीं आनी। यार कुछ नहीं हुआ, तू घबरा मत, मैं सब इंतजाम कर आया हूँ। क्या इंतजाम कर आए हैं आप? ले आया हूँ। क्या क्या लाए? जमाल घोटा। अबे ये तो बहुत सख्त परगेटिव है बे। मैं चाय में डाल देता हूँ। अबे पर जल्लाप शुरू हो जाएंगे सबके। ये क्या है? तभी तो दिलीप हीरो नहीं बन सकेगा। घबरा मत, चपरासी जल्दी करो। एक चाय मेम साहब को दो। सब मजे में आके एक एक बजाय दो दो तीन दिन का पी रहे। चुकर चुकर सुन लेंगे यार, चुकर। मुकदमा पुकारो। बलवंत सिंह और बिहारी लाल को आवाज दो। बलवंत सिंह और बिहारी लाल हाजिर हो। क्या गुनाह है तुम्हारा? हुजूर, इसने हमारा लोटा चोरी किया है। क्यों जी, तुमने इसका लोटा चोरी किया? हाँ हुजूर, हमने लोटा चोरी किया है। क्यों चोरी किया? हुजूर, हमने चांदी का समझ के चुराया था। तो क्या वो चांदी का नहीं था? नहीं हुजूर, वो पीतल का था, उस पर चांदी का पानी चढ़ाया हुआ था। हैं, इतना बड़ा धोखा! तुमने चांदी का लोटा क्यों नहीं रखा? तुमने उसको धोखा दिया। मुनीम जी, करो इस पर 10 रुपया जुर्माना। हुजूर, किस पर जुर्माना? लोटे वाले पर। हुजूर, हमारा लोटा और हमारे पर जुर्माना? ज्यादा गड़बड़ मत करो। क्यों तुमने पीतल का लोटा रखा? जाओ मालखाने में रुपए जमा करो। दोहाई है सरकार, दोहाई है।
हुजूर, ये मजलूम नहीं जालिम है, ये ताज और तख्त का बागी है। इसने हम सबसे बेईमानी की है, इसने गांव के खलियानों में आग लगा दी है। नहीं अंदाजा, इस तरह सरपहतान है, ये पक्का बेईमान है। हम गरीब अपनी खेतियों को खून से सींच कर दाना उगाते हैं, फिर हम किस तरह अपनी खेतियों को आग लगा सकते हैं? अंदाजा, हम गरीब है, गरीब भूखा रह सकता है, दूसरों को भूखा नहीं देख सकता। अंदाजा, इसने हमारी इज्जत पर हमला किया है। अंदाजा, अगर आपने इसका कोई फैसला नहीं किया तो याद रखिए हम गरीब पे। अरे बोल अंदाजा, अब गरीब बेदार हो चुके हैं, बेदार हो चुके हैं हम ताजो तक। अरे तुझको क्या हो गया? हाँ कहो फरियादी। अरे बोल हम ताजो, अरे बोल हम ताजो तक भी जावा देंगे। अबे तू बोल दे, तू बोल दे। अच्छा तू बोल दे, तू बोल दे। अरे अरे तू बोल दे। हाँ हाँ, हम ताज और तख्त की धज्जियां उड़ा देंगे, हम गरीबों की हड्डियों से बने हुए महलों। हाँ हाँ कहो फरियादी। अरे कोई बोलो, कहो। तू बोल दे, तू क्या देख रहा है? आई हो, अरे अबे अबे पर्दा गिरा, ड्रॉप, अरे ड्रॉप गिरा दी, अरे ड्रॉप गिरा दी, ड्रॉप। जमाल घोटा बेटा किसने मिलाया था? लेकिन खामोश, मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता हूँ। तुमने वो हरकत की है, आपको मालूम है आपकी जात से हम लोगों की क्या हालत हुई? हमारा भंगी तक भाग गया। आप लोग कॉलेज में रहने के काबिल नहीं है। मैं आज ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, प्रिंसिपल के सामने आपको पेश करूंगा। प्रोफेसर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं होगी। आपने वो हरकत की है जो कभी माफ नहीं की जा सकती। मैं तौबा करता हूँ साहब, मैं कान पकड़ता हूँ, आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं होगा। वादा करते हैं आप? जी हाँ। अच्छा, मैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, मगर आप लोगों में 50-50 रुपया दोबारा करता हूँ। यार फाइन वाइन तो दे लेंगे, मगर तूने ये सब बता के बहुत बुरा किया है। यार अजीब बात करते हो, अगर मारपीट लेते मैं सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वहां तो सालों ने मुझे घड़ी का पेंडुलम बना रखा था। कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता, कोई बर्फ रखता था, कोई पर से गुदगुदा था, कोई साला चपत लगाता था। अगर तुम मेरी जगह होते तो ये सब बर्दाश्त कर लेते? ये सब उस दलीप की कारस्तानी है। Thank you.
तरकशी और दूसरे खेलों में बहसियत चैंपियन के ये इनाम दिए जाते हैं। और ये दूसरा इनाम जुगनू को कॉलेज में सबसे अच्छी स्पीकर की हैसियत से दिया जाता है। जुगनू बहन मुबारक हो। मुबारक। ये कप तो बहुत अच्छा है। अरे ये घड़ी भी मिली है। ये भी तो चांदी की है। चांदी की बहुत अच्छी है। माफ करना बहन। नहीं नहीं कोई बात नहीं। यस साहब, आज मैंने लड़कियों को खाने पर बुलाया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं जुगनू को ले जाऊं। अच्छा तुम ले जाना सकता, मगर हॉस्टल में जल्दी वापस लाना है। यस यस मेटन, थैंक यू वेरी मच। ओके क्यों ऑन डार्लिंग। अभी तक नहीं आए शशि। हेलो लता। हेलो सूरज। तुम यहाँ रहती हो क्या? हाँ यही मकान है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शशि को मोना के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा चाय तो पीते जाओ। लता से बातें हो रही हैं। फिर कभी आएंगे? तो फिर आना जरूर। हाँ जरूर आएंगे। चलो शशि चलो। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्यों सूरज बाबू, लता के घर चाय पीने नहीं गए? बड़े प्रेम से बुला रही थी, बिचारी का दिल टूट गया होगा। अरे भाई मैं खुद थोड़ी गया था, लता ने रोक लिया, कहने लगी कि चाय पीते जाओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर पी क्यों नहीं? ये समझ कर कि वहाँ तो खाली चाय होगी और यहाँ चाय के साथ बिस्किट भी, और फिर और बहुत सी चीजें होंगी वगैरह वगैरह। फिर तो आप घाटे में रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ चाय के साथ वगैरह वगैरह कुछ नहीं। अरे साहब घाटा कैसा, वो पास ही तो है, मैं फिर चला जाऊंगा। अच्छा जाइए जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, जाने भी दो जुगनू, अभी तक वहाँ कोई दूसरा आ गया होगा। अजी आप जैसे कितनों को वो रोज चाय पिलाती है। अच्छा देखिए आप लता से ना मिला कीजिए, वो अच्छी लड़की नहीं है, आप बदनाम हो जाएंगे। बैठो जुगनू, आज की कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए मैं कितना बेचैन था। जब तुम फर्स्ट आती थी यही जी चाहता था कि दौड़ कर तुम्हें उठा लूं। उठ भी सकता आपसे मेरा बोझ सर आंखों पर? अरे काश मैं तुम्हारा ये बोझ तमाम जिंदगी उठाए रखता। जी और ये भूल गए कि आप हार गए रस्सा कशी में, हम खींच लाए आपको। अजी रस्सा तो बड़ी चीज है, भगवान कसम कच्चा धागा भी होता तो खींचाते आप तक। जाइए आप तो मजाक करते हैं। मजाक नहीं चुनी, अब मैं तुम्हारे बहुत करीब खिंचाया, इसे तुम प्रेम समझो या दीवानी। मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। शरबत पियोगे भैया? बदतमीज, पहले जुगनू को दे। जुगनू को? जुगनू बहन तो खुद मीठी हैं, वो क्या पियेंगे। खाना तैयार है, लगाया जाए। अरे अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी नहीं खाएंगे, अभी तो शशि से गाना सुनेंगे। शशि सुना है तुमने म्यूजिक में बहुत कुछ सीख लिया? अरे इसका तो कोई हिसाब नहीं, इतना बहुत गाती और इतना बड़ा नाचती है आजकल, ये तो बिल्कुल एकदम। सुनाओ गाना सुनाओ। हाँ शशि सुनाओ। सुनाओ भी। अच्छा अच्छा दे के पुर के फरंगी सी फिजाओं में कहीं नाचती गाती महकती सी हवाओं में कहीं, नाचती गाती महकती सी हवाओं में कहीं, एक शहजादे को आई एक शहजादी नजर, जिसको पढ़ते देख शहजादी ने भी डाली नजर, जिसको पढ़ते देख शहजादी ने भी डाली नजर, नौज
जमा के दोनों गो नौ जमा थे दोनों गो और धड़कने उनकी जमा गो या कम सिन देवता के खेलने का था मका सामना होते ही बस एक तीर से घायल हुए जैसे दोनों इष्ट के दरबार में सायल हुए फिर मुलाकातें बढ़ी और प्यार ने अंगड़ाई जिंदगी भर साथ देने की कसम खाई गई जिंदगी भर साथ देने की कसम खाई गई एक दिन कश्ती में बैठे राज दिल कहते चले उभरी उभरी शोक लहरों पर वहीं गाते चले के अचानक छाए बादल जोर का तूफान उठा गिर गई कश्ती पवर में कांप उनका दिल गया जोर मौजों में हवा का शोर ऐसा पुरखतर दोनों थे सहमे के जैसे मौत आती वो नजर दोनों थे सहमे के जैसे मौत आती वो नजर बेमदद मझधार में वो खौफ से जकड़े हुए थी जवानी को जवानी इस तरह पकड़े हुए थी जवानी को जवानी इस तरह पकड़े हुए आया एक जालिम थपेड़ा कापा शहजादे का हाथ गिर गई पानी में शहजादी छुटा दोनों का साथ हाँ छुटा दोनों का साथ छाया आंखों में अंधेरा उस पे बिजली सी गिरी टूटा शहजादे का दिल दूभर हुई अब जिंदगी उम्र भर वो साथ देने की कसम याद आ गई कूद कर पानी में उसने भी वही मर जान दी आए अदीब उनका जहां से मिट गया नाम निशान खत्म होती है यहाँ पर दो दिलों की दास्तां खत्म होती है यहाँ पर दो दिलों की दास्तां जुगनू तुम क्यों उदास हो गई अरे हम लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं या इस तरह चुप बैठने के लिए आए हैं सूरज बाबू वही शहजादे शहजादी की कहानी याद आ रही है कितने बदनसीब थे दोनों अरे तुम भी अजीब हो वो कहानी थी कोई हकीकत थोड़ी थी है? कुछ भी हो दोनों मोहब्बत में कितने पक्के थे बेचारे शहजादे ने शहजादी के लिए अपनी जान दे दी अरे तो इस शहजादे को तुम क्या समझती हो है? वक्त आने पर ये भी जान दे देगा अगर शहजादी मर गई तो शहजादा भी यही जान दे देगा सच वादा करता हूँ अच्छा मिलाओ हाथ देखो वादा करती हो ना कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे करती हो वादा
इनको तो डबल निमोनिया हो गया है। इनकी यह हालत कब से हुई है? डॉक्टर साहब आप जानते हैं लड़के जिस कदर शरीर होते हैं। जी। दो तीन दिन से इसकी बहुत तबीयत खराब थी। जी। बहुत सख्त बुखार था। लड़कों ने मजाक किया, इसे उठा के ले गए बाहर तालाब में डाल दिया, उसी वक्त से यह हालत हो गई। जरा पेपर दीजिए। दीजिए डॉक्टर। दिलीप बेटा, दिलीप नमस्ते। नमस्ते। अभी इनकी आंख लगी है। क्या हुआ इसे? आप तशरीफ रखिए, घबराइए नहीं साहब। इनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी, डबल निमोनिया हो गया था। निमोनिया? जी हाँ, मगर अब तो ठीक है। अभी तीन दिन हुए इसका खत आया था, उसमें तो कोई ऐसी खबर न थी। कहीं जगह आप लोगों का तार पहुँचा? जी हाँ, वो तार हम ही लोगों ने दे के आपको बुलवाया है। अभी तो निमोनिया हुआ है, आगे देखिएगा कहीं जहर ना दे दिया जाए। आखिर बात क्या है, आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते? साहब वो आपके गांव की लड़की जुगनू है ना। जुगनू? जी हाँ, ये सारा गुल उन्हीं का खिलाया हुआ है। जुगनू। नमस्ते चाचा जी, कैसे तशरीफ लाए? तुम्हारे होश ठिकाने करने। ऐसी आसान फरामोशी, ऐसी नमक हरामी, जिस बर्तन में खाओ उसी में छेद करो। तुम्हारी जिंदगी के बुझते हुए चिराग को अपने दामन की आड़ से बचाया तो इसलिए नहीं कि मेरा ही दामन जला डालो, मेरा ही घर फूंक दो। मैंने तुम्हें अपनी लड़की की तरह पाला था। आपके गुस्से की वजह मैं अभी तक नहीं समझी। तुम्हारी वजह से लड़कों में रकाबत का जोश जान लेने और जान देने तक पहुंच गया है। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? तुम्हारी वजह से दिलीप को जमाल गोटा दिया गया, उससे बचा तो बुखार होते हुए उसे पानी में डाल दिया, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। शायद आपको मेरे खिलाफ इन्हें बहकाया है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, मेरा तुम्हारा हाथ से कोई वास्ता नहीं। पढ़ो चाहे जाहिल रहो, भीख मांगो दर दर, मुझे अफसोस ना होगा। मैं तो अपने दोस्त की एक लड़की समझकर तुम्हारी मदद करता रहा, लेकिन अब ये समझूंगा कि नेकी करके दरिया में डालता रहा। मैं तो ये समझती थी कि मेरे पिता ने मरते वक्त जो आपके पास रकम छोड़ी थी, मेरी तालीम उसमें से हो रही है। कितनी रकम छोड़कर मरे थे आपके पिताजी? वो तुम्हारे खाने के लिए भी काफी ना होता। मैं तो तुम्हें अपने दोस्त की समझ कर पढ़ाता रहा। ये मुझे मालूम ना था, आपका एहसान सर आंखों पर। अब आपको कभी तकलीफ ना दूंगी। तो मेरा भी तुम जैसी लड़की को दूर ही से सलाम। आइंदा कभी मेरे घर का रुख ना करना। बहन, तुम्हारे माँ बाप मर गए? हाँ, और जिन्होंने बाप की तरह पाला था वो भी साथ छोड़ गए। ये तुम्हारे सगे चाचा नहीं थे? सुन तो चुकी हो सब कुछ, मगर तुम पे ये इल्जाम कैसे आया? किस्मत। हुआ, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मुना, तुम बाहर मेरे लिए एक छोटे से मकान का इंतजाम कर दो। क्यों? अब मैं यहाँ हॉस्टल का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकती। बाहर ट्यूशन वगैरह करके अपनी स्टडी पूरी कर लूंगी। बहन, तुम हमारे यहाँ चल कर रहो। मेरे होते हुए जुगनू तुम बाहर नहीं रह सकती। हेलो प्रकाश। हेलो। आप चाय पी लो। आज नहीं, परसों। क्या रही हो? हेलो सूरज। हेलो। आओ आओ चाय पी लो। नहीं, मैं जरा
कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। चलियो चलियो। मोना, ये सब भी ड्राइंग रूम में रख दें। नहीं नहीं, ये तुम अपने कमरे में रख दो, किताबें मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा। कौन? नमस्ते सूरज बाबू। नमस्ते। जुगनू कहाँ है? जुगनू किसी के अंधेरे घर में चमक रही हूँ। अरे आप तो मजाक करती हैं, कहाँ है जुगनू? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया। किस बात की? देखो ना, मेरी वजह से तुम पर कई आफतें आईं, यहाँ तक कि बोर्डिंग भी छोड़ना पड़ा। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हें वापस बोर्डिंग ले चलने के लिए आया हूँ, समझी? बोर्डिंग तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। देखो बहाना मत करो, शशि ने मुझे सब कुछ बतला दिया है। तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? जहाँ से एक बार निकले फिर वहाँ क्या जाना? जुगनू इत्मीनान रखो, तुम वहाँ पहले से ज्यादा शान से रहोगी। आखिर मैं भी कोई इतना मुफलिस तो नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जानती हूँ आप राय साहब के लड़के हैं। देखो ये कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो, तुमको बोर्डिंग चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। बोलो तुम मेरा कहना मानोगी? मानोगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं, जरा सोचिए। आपके हमारे दरमियान जो मैटन साहिबा की दीवार खड़ी थी वो अब गिर चुकी है, उसे आप फिर खड़ी करना चाहते हैं? बोर्डिंग की चार दीवारी में आप इस तरह आ सकेंगे, हमारी मुलाकातें आजादी का राग गा सकेंगी? बोलिए आप क्यों चुप हो गए? हाँ जुगनू, ये सब हमारी खुशकिस्मती से ऐसा हुआ। खुशकिस्मती से हुआ या बदकिस्मती से? अच्छा तो वहाँ का जाना कैंसिल, पर एक शर्त पर। वो क्या? कि अब से मैं तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा खर्चा वर्चा सब मेरे जिम्मे। खर्चा वर्चा? वो क्यों? नहीं ये तुम्हें सब लेना ही पड़ेगा, खर्चा नहीं, तुम्हें, नहीं, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम्हें खर्चा लेना पड़ेगा और इसके बाद तुम्हारे लिए और कोई चारा नहीं है, तुम्हें लेना पड़ेगा। पिताजी 200 रुपए में अब मेरा गुजर नहीं होता। पिताजी अब से मुझे आप 400 रुपए महीना खर्च दिया कीजिए। पहले ये बताओ कि ये क्या है? पिताजी कॉलेज के लड़कों की वजह से खामखा मुझ पर भी जुर्माना हो गया। तुम्हारे ये आए दिन के जुर्माने में कहां तक भरता रहूं? ऊपर से 200 रुपया और फजूल खर्ची के लिए मांगते हो, क्या मेरे पास खजाना रखा है? पिताजी 400 रुपए खर्च एक राय साहब के बेटे के लिए ज्यादा तो नहीं? यही तो तुम्हारी गलती है बेटा, जो तुम मुझे अमीर समझते हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ठीक कह रहा हूँ, मगर ये सब साज सामान, नौकर चाकर, मोटरें वगैरह, आखिर पिताजी ये सब अमीरी ही की निशानी तो हैं। ये जितनी चीजें तुम देख रहे हो सब गिरवी हैं, मेरा रुआ रुआ कर्जदार है, हत्ता कि ये मकान भी। और ये जो आए दिन इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और दावतें दी जाती हैं वो? ये सब लोगों का मुंह बंद रखने के लिए है। लोग यही समझते हैं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, जब चाहूं सारा कर्ज अदा कर दूंगा। बेटा अपना भरम रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है, अगर ऐसा ना करूं तो दूसरे ही दिन मेरी सफेद पोशी खत्म हो जाए और लोगों के तकाजे मेरी राय साबी, मेरी इज्जत आबरू और रख रखाव को खाक में मिला देंगे। पिताजी जब भगवान ने इस काबिल नहीं रखा तो इस झूठी नुमाइश से क्या फायदा, ऐसी अमीरी से तो गरीबी अच्छी। मौत तो हम जैसे शरीफों की है, अमीरों की तरह जीना चाहते हैं और गरीबों से भी बदतर हालत में मरते हैं। तो फिर इस मुलम्मे से क्या फायदा, जब पीतल सोना नहीं बन सकता तो फिर उसे पीतल कहने में क्या हर्ज है? अब तो इस डर से सच नहीं बोला जाता कि झूठ का ऐब खुल जाएगा, सोने का मुलम्मा उतर जाए तो जगह जगह पीतल के धब्बे बुरे मालूम होते हैं। पिताजी आज ये मालूम करके कि हम लोग गरीब हैं, दुख तो जरूर हुआ लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। क्यों, खुशी किस वजह से हुई? जबकि हम खुद गरीब हैं तो फिर मेरी एक गरीब लड़की से शादी करने में अब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब जुगनू से है। जुगनू का भूत अभी तक तुम्हारे सर से नहीं उतरा? ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घराने में तय कर चुका हूँ। जानते हो तुम्हारे उस रोज के किस्से से सेठ प्यारेलाल के यहाँ की बात खत्म हो गई, जहां से 2 लाख की नग दौरी मिलने वाली थी, लक्ष्मी घर आते आते रह गई। पिताजी ये समाज के बनाए हुए बेहुदा रिवाज से आप इस वक्त फायदा उठाना चाहते हैं, ये न भूलिए कि आपको भी एक दिन इसका शिकार होना पड़ेगा। क्या मतलब?
अगर इस वक्त मेरी जगह शशि जवान होती तो आप 2 लाख रुपए जहेज दे सकते थे। जानते हैं हिंदुस्तान की कितनी गरीब लड़कियां खुद गर्ज संसार वालों का मुंह मांगा जहेज और रुपया न दे सकने पर माँ बाप की आबरू का कलंक बनकर कुंवारी जिंदगी गुजार रही हैं। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता। कान खोल कर सुन लो कि तुम्हें वहां शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से मुझे इतनी दौलत मिलेगी कि मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। पिताजी मैं वहां शादी नहीं कर सकता, मैं जुगनू से वादा कर चुका हूं। बेटा सुन लिया माताजी? मैं सब कुछ सुन रही थी। हम लोगों पर वक्त ही ऐसा आन पड़ा। अगर आज हमारे दिन अच्छे होते तो मेरे लाल तुम जिसका हाथ थाम कर ले आते मैं उसको बहू बना लेती, मगर आज तुम्हारे गरीब माँ बाप को तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी चाहिए। मोहब्बत छिन जाने के बाद मेरी जिंदगी में क्या रहेगा माँ? देवी देवताओं को तो गंगा जल से भोग दिया जाता है, तुम्हारी लक्ष्मी को आंसू ही पसंद है। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझती हूँ, मगर अब क्या किया जाए बेटा, मजबूरी है। अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। मगर यह भी तो नहीं हो सकता कि जुगनू बदनसीबी की अंधेरी रात में सिर्फ इसलिए कुचल दी जाए कि उसमें दौलत की रोशनी नहीं। मगर अब तो धनी राम की लड़की से बात पक्की हो चुकी। औलाद की जिंदगी का सौदा रुपए से मत कीजिए माँ। क्यों, क्या बात है? क्या बताऊं, चलती हुई इज्जत की आंच लोगों तक पहुंच रही है, सख्ती के साथ तकाजे शुरू हो गए। क्या हुआ? सेठ शादीलाल का मुनीम आया था, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ रुपए मंगवाए। तो तुमने क्या जवाब दिया? जवाब देने की हिम्मत होती तो इतना सुनता ही क्यों? अब तो मेरी इज्जत आबरू सूरज के फैसले पर है, वो किसी तरह मान ले तो सब कर्जा अदा हो सकता है। मैं समझा समझा कर थक गई। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि हम गरीब हैं तो गरीब समझने में क्या हर्ज है, और शादी के लिए जोर देती हूँ तो कहता है जान दे दूंगा। वो क्या जान देगा, जान तो मुझे देनी पड़ेगी। कैसी बातें करते हो? सूरज की माँ, अगर वो ना माना, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जहर खा लूंगा। जुगनू, बेटा जुगनू। कौन? जुगनू, बेटा जुगनू। कौन? माता जी आप इस वक्त? खैरियत तो है? हाँ बेटा सब खैरियत है। आइए, आप अकेली आई हैं? सूरज बाबू को तो साथ ले लिया होता, सूरज ही के बारे में तो बातचीत करना है, उसे साथ लाती तो उसके सामने बातें कैसे करती। शशि तो अच्छी है ना? शशि तो आठों पहर तुम्हारी तारीफ किया करती है, और सूरज तो? ये तो आपकी मेहरबानी है, मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं भी तुमको शशि से कम नहीं समझती। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे ऐसा समझती हैं। बेटा मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपके हुक्म से बाहर थोड़ी हूँ माता जी। मैं तुमसे? हाँ हाँ कहिए कहिए ना। तुम सूरज का ख्याल दिल से निकाल दो। हैं? ये क्या आप कह रही हैं? ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। आप मुझसे ऐसी चीज मांग रही हैं जिसका देना मेरे बस में नहीं। मुझे ये ना मालूम था कि आप शहद के बदले जहर देने आई हैं। बेटा तू मेरे सूरज को मुझे दे दे, तू मुझसे जो मांगे मैं तुझे दूंगी। आप अपनी दौलत से मेरा प्यार, मेरी तमाम जीवन की पूंजी खरीदना चाहती हैं। मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है जो हम मुझसे सूरज को छीन लेना चाहती हैं? बताइए मेरा क्या गुनाह है? बेटा तेरा गुनाह तेरी गरीबी। हाँ माँ मैं गरीब तो हूँ, भगवान तेरी इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, तो तूने मुझे गरीब क्यों पैदा किया?
मुझे गरीब क्यों पैदा किया भगवान? माँ, मैं पहले ही से बर्बाद हूँ, मुझे और बर्बाद न कीजिए। मुझे आपके सहारे की जरूरत है, मुझे अपना हाथ दीजिए उल्टा गड़े में ना ढकेलिए। हम खुद एक भयानक गार के मुंह पर खड़े हैं, हमको तेरी मदद की जरूरत है। हम भी अमीर नहीं हैं, घर बार साजो सामान सब रहन है, इसलिए मैं सूरज का ब्याह एक मालदार लड़की से करना चाहती हूँ कि हमारे दिन फिर जाए, हमारा कर्जा अदा हो जाए। आप धन दौलत के लिए गरीब की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं, अपने सुख के लिए मुझे दुखी देखना चाहती हैं। भगवान, ये दौलत के लिए मुझसे सूरज को मांगते हैं और मैं सूरज के लिए तुझसे दौलत मांगती हूँ। भगवान मेरी भी सुन, दुखिया लाचार गरीब की सुन, मुझे अमीर कर दे ताकि इनका मुँह सोने चांदी से भरकर मैं अपना प्रेम खरीद सकूं। भगवान बेटी, हम में से एक को कुर्बानी देनी ही होगी, तुझे सूरज को छोड़ना होगा या हम लोगों को जहर खा के दुनिया छोड़नी होगी। तेरी एक ना से खानदान का खानदान तबाह हो जाएगा बेटी, सूरज के पिता को जहर खाना पड़ेगा, मुझे अपनी जान देना पड़ेगी, सूरज दर बदर की ठोकरें खाएगा, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे, उसे जलील समझेंगे, तू ये सब देख सकेगी। हमारी मौत के बाद सूरज तेरे साथ सुखी रह सकेगा। बेटी, सूरज के लिए इतना प्रेम तुझसे ये कुर्बानी मांग रहा है, तू सूरज को तबाही से बचा सकती है। कह दे तू सूरज से प्रेम नहीं करेगी। किस दिल से कहूँ, मैं तुझसे दामन फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, मैं तेरा पांव पड़ती हूँ। इस वक्त मेरे खानदान की लाज और सूरज की जिंदगी तेरे हाथ है। अगर इस गरीब की कुर्बानी से आपके खानदान की लाज बच सकती है, अगर मेरी बर्बादी से सूरज की जिंदगी बन सकती है, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सूरज को तबाह नहीं होने दूंगी माँ, सूरज को तबाह नहीं होने दूंगी। बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, बेटी, सूरज को ये बात न मालूम होने पाए। वादा कर, तू अब कभी सूरज से नहीं मिलेगी। वादा कर, वादा करती हूँ मैं तेरा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ, कहीं सूरज को न मालूम हो जाए। जुगनू, आ
आखिर क्या बात है, तुम बताती भी नहीं। सुबह से रो रो कर तुमने बुरा हाल कर रखा है, बात बात पर रोई देती हो। सूरज से लड़ाई हुई है? बोलो बोलो तुम्हें मेरी कसम। कल रात बड़ा भयानक ख्वाब देखा था। पागल कहीं की, ख्वाब हमेशा उल्टा होता है, जितना भयानक होगा उतना ही अच्छा। मगर मेरा तो जीवन का ख्वाब था जानलेवा। तुम तो मोहब्बत में पागल हो गई हो। लो शहजादे साहब आ गए शहजादी को मनाने के लिए। रूठ जाओ और रूठ जाओ, मुंह फेर लो। हेलो, क्या बात है जुगनू? तुम रो रही हो जुगनू, क्या हुआ मन? इन्हीं से पूछिए, सुबह से ये वक्त हो गया है मनाते मनाते। क्या हुआ जुगनू, आखिर बोलो तो, क्या बात है? कुछ नहीं सूरज बाबू, माँ बाप याद आ रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात। आज की रात, आज की रात सादे दिल पुर दर्द न छे, आज की रात कौल उल्फत का जो हंसते हुए तारों ने सुना, कौल उल्फत का जो हंसते हुए तारों ने सुना, बंद कलियों ने सुना, मस्त बहारों ने सुना, बंद कलियों ने सुना, मस्त बहारों ने सुना, सबसे छुप कर जिस दो प्रेम के मारों ने सुना, सबसे छुप कर जिस दो प्रेम के मारों ने सुना, ख्वाब की बात समझ इसको हकीकत न बना, आज की रात सादे दिल पुर दर्द न छेड़, आज की रात। भर आए छलकने को है अब ये प्याले, आंख भर आए छलकने को है अब ये प्याले, मुस्कुराएंगे मेरे हाल पे दुनिया वाले, आज की रात थे आज की रात। बेबसों पर ये सितम, बेबसों पर ये सितम खूब जमाने ने किया, बेबसों पर ये सितम खूब जमाने ने किया, खेल खेला था मोहब्बत का अधूरा ही रहा, खेल खेला था मोहब्बत का अधूरा ही रहा, हाय तकदीर के तकदीर से पूरा न हुआ,
जाए तकदीर के तकदीर से पूरा न हुआ ऐसे आनी थी जुदाई मुझे मालूम न था आज की रात साधे दिल पुर दर्द न छे साधे दिल पुर दर्द न छे आज की रात क्यों आज कॉलेज जाने का इरादा नहीं है तबीयत अच्छी नहीं है मोना यहाँ अकेली पड़ी रहोगी तो तबीयत और ज्यादा उदास हो जाएगी कॉलेज चलो वहाँ लड़कियों में तबीयत बहली रहेगी मैं अंदर आ सकता हूँ नमस्ते दिलीप बाबू आइए आइए जुगनू मैं तुमसे बोर्डिंग मिलने गया था मालूम हो तुम यहाँ आ गई हो तुम अच्छे हो गए चाचा जी कैसे हैं उन्हीं का संदेशा लाया हूँ वो अपने उस दिन के किए पर बहुत पछता रहे थे और कहा है कि उस दिन गुस्से में जो कुछ कह दिया था उसका ख्याल न करना हम उसी तरह तुम्हारी देखभाल करेंगे और ये रुपए दिए हैं रुपए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अभी रहने दीजिए जब जरूरत होगी तो ले लूंगी क्या बात हुई जुगनू किस सोच में पड़ गई दिलीप बाबू तुम बड़े अच्छे मौके से आ गए क्या मतलब चलिए मेरे साथ मैं आपको समझाती हूँ हाँ हाँ चलिए जुगनू अभी सूरज बाबू भी आएंगे तो उनसे कह देना कि दिलीप बाबू गांव से आए थे मैं उनके साथ बाहर गई हूँ चलिए दिलीप बाबू चलिए तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई घर ही पर साफ साफ इनकार कर दिया होता इनकार तो नहीं करती जुगनू तुम आज खोई खोई क्यों हो बहुत परेशान मालूम होती हो मैं खुद नहीं समझ सकती अपनी परेशानी परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ बताओ क्या बात है वाकई मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आखिर हम दोनों बचपन के साथी हैं ना मैं मुद्दत से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरी बनोगी दिलीप बाबू सीन खत्म हो गया वो बचपन का जमाना था आप भूल जाइए मैंने मुद्दत हुई सब कुछ भुला दिया है ये यकायक तुम्हें क्या हो गया मेरी तबीयत बहुत घबरा रही है आप मेरा कभी पीछा न कीजिएगा मैं जाती हूँ आ गई आप कहाँ गई थी दिलीप बाबू गांव से आए थे उनके साथ बाग में घूमने गई थी ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा था ये वही दिलीप बाबू है ना जिनकी वजह से आज आपकी ये हालत हुई जिनके बाप ने आपको जलील करके बोर्डिंग से निकाला और फिर उसी से मिलने गई आप कुछ नहीं कह सकते आपको मालूम है उनके पिता के क्या क्या एहसानात हैं मुझ पर बरसों नमक खाया है मैंने उनका लड़की बनके तो नमक का हक अदा करने गई थी उनके साथ आप सुनिए मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ मेरा आपका निभा नहीं हो सकता मैं दौलत चाहती हूँ जो आप नहीं दे सकते क्योंकि आप खुद गरीब हैं मोहब्बत के दरमियान दौलत का सवाल आ ही गया ये मोहब्बत का नहीं मेरी जिंदगी का सवाल है दिलीप माँ बाप का अकेला है उसकी तमाम दौलत मेरे कदमों में होगी उसके दिल की मलिका घर की रानी बनकर हुकूमत करूंगी जुगनू तुम इतनी जलील हो इतनी मक्कार सूरज बाबू मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली ये नहीं जानता था कि मुलम्मा एक ही रगड़ में उतर जाएगा मोहब्बत के बहाने तुम्हें दौलत की तलाश थी तुम्हारे कान दिल की धड़कन नहीं रूपों की झंकार सुनना चाहते थे तुम्हारी सूरत में मैंने अपने प्रेम का रूप देखा था अफसोस मैंने गलती की धोखा खाया जो आज तुम्हारे हाथों इस तरह जलील हुआ खैर मैं चाहता हूं
मगर याद रखना, आज जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है, कल तुम भी इससे ज्यादा जलील होगी जुगनू। क्यों सूरज बाबू, जुगनू से झगड़ा हो गया? कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मुझे इस वक्त जाने दो लता। अजी छोड़िए भी इन सब बातों को, आइए चलिए चाय पे। आइए भी चलिए। अरे बेटा खाना खा ले फिर पानी पीना। मैं खाना नहीं खाऊंगा। सूरज तुझे क्या हो गया है? आज कई दिन से देखती हूँ तू खोया खोया रहता है, न तो खाना खाता है न वक्त पर घर आता है। क्या करोगी पूछ के माँ? बेटा आखिर मैं माँ हूँ, मैं न पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? पूछने से कहीं दिल की सूखी हुई डाली हरी हुई है। बेटा मैं उस डाली को हरा करने की कोशिश करूंगी। जिस दरख्त पर बिजली गिर जाती है वो हरा नहीं हो सकता माँ। मैं उसे अपने खून से हरा करूंगी, इसीलिए तो पूछती हूँ। दिन ब दिन तेरी हालत क्यों बदलती जा रही है? दुनिया बदलती ही रहती है माँ, चांद भी छिप जाता है, सूरज भी डूब जाता है। अगर मेरी हालत बदल गई तो कौन सी नई बात है? दोनों थे कहने के जैसे मौत आती हो नजर, दोनों थे कहने के जैसे मौत आती हो नजर, बेमदद मझधार में वो खौफ से जकड़े हुए थी, जवानी को जवानी इस तरह पकड़े हुए थी, जवानी को जवानी इस तरह पकड़े हुए, आया एक जालिम थपेड़ा कांपा शहजादे का हाथ, गिर गई पानी में शहजादी छुटा दोनों का साथ, हाँ छुटा दोनों। तू यहाँ क्यों आई? क्यों भैया? ये शरीफों के आने की जगह नहीं है, यहाँ बेवफाई खुदगर्जी और मक्कारी पलती है, खबरदार जो फिर तू कभी यहाँ आई, समझी? चल मेरे साथ। भैया भैया मुझे छोड़िए भैया। भैया भैया क्या हुआ सूरज बाबू, क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ, चुप रहो तुम, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, छोड़ो से। क्या हुआ जुगनू? अब खबरदार जो तू यहाँ आई, समझी? चल। यहाँ हम बदला वफा का बे वफाई के सिवा क्या है, यहाँ हम बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है, कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है इसी का नाम दुनिया है, कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी, मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है, मोहब्बत करके भी देखा
मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं कलेजा मुंह को आता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। भुला दो वो जमाना जब तुझे अपना बनाया था। भुला दो ना मैं उल्फत जब तुम्हारे लाप आया था। भुला दो वो कसम जो के खाई थी कभी तुमने। भुला दो दिल से तुम गुजरे हुए रंगीन जमाने को। भुला दो हाँ भुला दो इश्क के सादा फसाने को। तमन्ना अपना कहे कोई जो अपना था पराया है। यूं ही दुनिया बदलती है किसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है। मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। यहाँ बदला ओ सूरज। हेलो लता। आओ आओ चलो उठो पिक्चर चलो चलो। अरे इस वक्त पिक्चर 9 बज गए हैं टिकट कहाँ मिलेंगे। टिकट विकट सब मैंने रिजर्व करा लिए तुम उठो कपड़े बदलो चलो उठो चलो उठो 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 चलो चलो। जुगनू मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने के लिए सिनेमा ले गई थी। मुझे क्या मालूम था कि लता तुम्हें जलाने के लिए सूरज को लेकर वहां भी पहुंच जाएगी। ये सब किस्मत दिखाती है मोना। देखें अभी आगे और क्या क्या देखना पड़ता है। अच्छा अब सो जा आओ आओ अभी। अच्छा तुम जाओ मैं सो जाऊंगी। अच्छा गुड नाइट। बहुत अच्छा पिक्चर था बहुत बहुत बेआबरू होकर दरे कूचे से हम निकले। ए बिरजू चाय लाओ गरम एकदम चाय लाओ। अब बिस्किट लाओ नमकीन है और देखो वो कल के केक जो रखा है ना केक वो भी लेकर आओ। फल खाओगे तुम फल। हाँ फल भी लाओ हम थक गए भाई बिल्कुल थक गए। <laughs>
समझा के थक गया, समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। टूटे हुए दिल को तसल्ली होते देर लगती है, धीरे धीरे राह पर आ जाएगा। कौन? जुगनू? कैसे आई हो बेटा? क्यों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दिल में तूफान छुपा कर चली थी, यहां आकर आंखों से उमड़ पड़ा। क्यों, क्या तकलीफ है? किसी चीज की जरूरत है? सूरज कहां है? अब सूरज से तुम्हारा क्या वास्ता? दी हुई चीज कोई वापस नहीं लेता। आप लोगों ने सूरज मुझसे छीन लिया, मगर मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकते। मगर बेटा, तुमने तो वायदा किया था कि उसको भूल जाओगी। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। माँ, मैं अपना टूटा हुआ दिल आपके पास जोड़ने के लिए नहीं आई हूँ, ना अपना दुखड़ा रोने के लिए आई हूँ, ना अपनी मुसीबतें। मुझ पर क्या क्या बीत रही है वो भी नहीं आई हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि मेरी कुर्बानी का कोई मकसद होना चाहिए। मैंने जिसके लिए अपनी जिंदगी तबाह की, अपनी उम्मीदें खाक में मिलाई, अपना सुख चैन छोड़ा, माँ मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकती कि वो रात रात भर दूसरों के यहाँ भटकता फिरे। आप उन्हें सीधी राह पर लगाइए, वरना मेरी मोहब्बत का भी गला घोट कर आपको कोई फायदा ना होगा। माँ, अब इस दिल में इतना खून नहीं है जो आंसू बनकर बहता रहे। बंसी, साइकिल रख दे। सूरज आ गया। बेटी, बेटी तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, सूरज देखेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर कभी आ जाना इस तरफ से। सूरज, ये तुम आधी आधी रात तक कहाँ रहते हो? यूं ही जरा सिनेमा देखने चला गया था पिताजी। ये तुम्हारा हर रोज इतनी रात गया था घूमते फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ये शराफत की दलील है। क्या चाहते हो कि सेठ धनी राम के यहाँ का रिश्ता भी टूट जाए? हाँ बेटा, कम से कम तुझे इतना तो ख्याल रखना चाहिए।
मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो जुगनू का भूत अभी तक तुम्हारे सर से नहीं उतरा। जुगनू। अच्छा बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो हमें मंजूर है, तू जुगनू से शादी कर ले। नहीं माँ, उसका नाम मेरे सामने मत लो। जिसे हीरा समझता था वो पत्थर निकला, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है माँ। तो उसे भूल क्यों नहीं जाते? दुश्मन को कैसे भूल जाऊं? अगर बिच्छू एक दफा डंक मारता है तो उसकी तकलीफ तमाम उम्र याद रहती है। अगर डाकू किसी की पूंजी लूट ले जाए तो लूटने वाला उसको कभी नहीं भूल सकता। एहसान करने वाला भुलाया जा सकता है, अगर जालिम नहीं। जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से फायदा, किसी दूसरी जगह शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी मोहब्बत के जख्म का मरहम नहीं है, ये घाव हमेशा रिश्ता रहेगा। हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी, हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी, जहाँ वो बस ये थी तमन्ना आखरी अपनी, अगर कुछ थी तो बस ये थी तमन्ना आखरी अपनी, कि तुम सा दिल पे होते और कश्ती डूबती अपनी, कि तुम Thank you.
की हड्डियों में बुखार बैठ गया है। तब्दील आब हवा के लिए किसी पहाड़ पर ले जाइए या किसी अच्छे से सैनिटोरियम। खांसी की दवा मैं देता हूँ, खांसी कम हो जाए। हेलो, तुम्हारा तबीयत कैसा है जुगनू? तुम तो पहचाने भी नहीं जाते। घबराओ नहीं जुगनू, खुदा तुमको अच्छा करेगा। जुगनू, मैं डॉक्टर के साथ जाती हूँ, अभी आ जाऊँ। और डॉक्टर साहब की फीस? तुम क्यों फिक्र करती हो? हम लोग बहुत दिन से आने मांगता था, मगर इम्तिहान था इसलिए नहीं आ सका। मैटर साहिबा कैसी हैं? वो भी आएंगी तुम्हें देखने के लिए। कौन है? कौन है? अंदर आओ। जुगनू, तुम्हारे ना होने से हम लोगों का कॉलेज में जी नहीं लगता। हम शाह कंपनी से आए हैं, यहाँ आपने चिट्ठी भेजी थी। आइए आइए, बैठिए। अच्छा जुगनू, हम लोग जाते हैं, कॉलेज का टाइम हो गया, हम लोग कल आएंगे। हा? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। अच्छा, नमस्ते। देखिए, मैं ये सब कप वगैरह बेचना चाहती हूँ। जी, आप दीवाने से नींद मांगते हैं, भिखारी से सुख का राज और डूबे हुए सूरज से दिन की रोशनी। ना तुम अपनी मर्जी से कुछ करते हो, ना हमारा कहा मानते हो। सूरज, तुम इस दिल को बहुत तड़पा चुके हो, आज तो तसल्ली का एक लफ्ज कह दो। किस दिल से कह दूं? आप मुझे जिंदा समझ रहे हैं? मेरे दिल में तो आशाओं की चिता कब की ठंडी हो चुकी। मैं तो अब एक चलती फिरती लाश होकर रह गया, अपनी आरती अपने कंधों पर खुद लिए फिर रहा हूं। बेटा, तुम्हारा बूढ़ा बाप सर झुकाकर अपने वादे की भीख मांग रहा है। बाप समझकर नहीं, एक भिखारी समझकर हां कह दो। पिताजी, आप एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे, इसका बाप किसके सर होगा? अगर तुम इसे पाप समझते हो तो मैं ये गुनाह अपने सर लेने को तैयार हूं। अच्छा पिताजी, मुर्दे को जहां जी चाहे उठाकर रख दीजिए। अगर आपको मेरी लाश ही बेचने में फायदा है तो आपकी मर्जी। अभी खांसी कम हो जाएगी। ओना, तुम्हारे बहुत रुपए खर्च हो चुके हैं, लो इन्हें कुछ काम में लाओ। है, तुमने कहां से लाई? किसी लड़की ने दिए हैं? जुगनू, तुम्हारे कप वगैरह क्या हुए? मैंने साफ करने के लिए भेजे हैं। झूठ बोलती हो तुम, जिस तरह अपने गहने साफ करने के लिए भेजे हैं ना मोना, अब वो मेरे किस काम आते? बहुत अफसोस है जुगनू, तुमने मुझे हमेशा गैर समझा। भाई, हमें भी तो बताओ क्या क्या दिया है, रात को मेहमानों की वजह से फुर्सत ना मिली। अरे बहुत काफी सामान दिया है बेचारों ने। पिताजी, मुझे भी ऐसी साड़ी ला दीजिए। अच्छा अच्छा बेटी। ए, सूरज की माँ, सेठ जी से नकदी की बहुत उम्मीद थी और वही कम मिली। तो क्या हुआ, जेवर तो बहुत कुछ दिए है, कसर पूरी कर दी? चलो, जेवर ही से अपना काम निकल जाएगा।
अच्छा जरा दिखाओ तो क्या क्या जेवर दिए हैं। देखो कितने खूबसूरत जेवर हैं। बहुत अच्छे हैं। वाकई बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। अरे ये तो पीतल है। है? ये क्या कर रहे? मुलामा किया हुआ है? अब क्या होगा? क्या ये सब दिखावा ही दिखावा था? बड़े सेठ बने फिरते हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। कितना बड़ा धोखा दिया हमको, पीतल के जेवर उठाकर साथ कर दिए। वो भी हमारी तरह अमीर मालूम होते हैं, उन्होंने अपना भरम रखा। जुगनू जुगनू मुबारक हो। जुगनू तुम्हारे नाम फर्स्ट प्राइज निकला है, ये देखो 50,000। मुबारक हो जुगनू। हैं? तुम रो रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भगवान तूने दुखिया की फरियाद तो सुनी, मगर बहुत देर के बाद सामान बेच डाला है। इनके पिता पुराना सामान खरीदते और बेचते हैं, शायद वहां से लेके आए होंगे। इंदु ये घड़ी मुझे दे दो और ये मेरा तोहफा तुम ले लो। ये घड़ी मैं जुगनू बहन को दूंगी। माँ मैं पहचानती हूँ, ये घड़ी जुगनू बहन की है। जिस दिन उन्हें ये इनाम में मिली थी उस दिन देखने में मेरे हाथ से गिर पड़ी, ये उसी दिन का निशान है। अच्छा तो तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि वो पैसे पैसे को मोहताज है? मेरी सहेलियों ने बतलाया है। माँ मैं जुगनू बहन के यहाँ जाना चाहती हूँ, ये घड़ी उनको वापस दूंगी। अच्छा तो जाकर दे दे। मगर मुझे भैया मारेंगे माँ, वहाँ जाने से मना करते हैं। उसे कहने की क्या जरूरत है, तू चुपके से चली जा। अच्छा शशि ले बेटी, ये रुपए उसे दे देना और मेरी तरफ से खैरियत पूछना। अच्छा अब क्या फायदा, दवा और रुपया सब बेकार है। तुम अच्छी हो जाओगी जुगनू, घबराती क्यों हो। अच्छा मैं ये रुपए अंदर रख देती हूँ, कल तुम्हारे नाम पर बैंक में जमा करा दूंगी। नमस्ते बहन। शशि आज कैसे भूल पड़ी। बहन भैया के डर से ना आ सकी, तबीयत कैसी है? तुम्हारे भैया तो अच्छे हैं, तुम्हारी भाभी कैसी है? भाभी तो मुझे पसंद नहीं, मैं तो ये चाहती थी कि आप भाभी बन जाती। पुरानी बातें याद ना दिला, दुख होता है।
माता जी तो अच्छी है। माता जी ने आपको बहुत बहुत पूछा है और ये रुपए भी दिए हैं। रुपए? रुपए? क्यों, क्या हुआ बहन? माता जी से कहना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ किया था वो इसकी खातिर नहीं, सूरज बाबू की। शशि, वहां से पेंसिल कागज उठाना। हेलो शशि, तुम कब आए? नमस्ते, अभी आई हूँ। जुगनू, तुमने अभी तक दवा नहीं पी? ये क्या लिख रही हो, तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। शशि, तुम नहीं आई जुगनू को देखने के लिए? बहन, भैया मुझे यहाँ नहीं आने देते, मारते हैं, मना करते हैं। अभी भी मैं उनसे छुप के आई हूँ। शशि, ये लो, ये माता जी को दे देना। लो दवा पी। अच्छा बहन, मैं जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब तुम सो जाओ जुगनू। शशि, जो मैंने मना किया था ना, फिर तू गई थी वहां? मुझे माँ ने भेजा था। माँ ने भेजा था? क्यों? जुगनू बहन को पैसा देने के लिए। ये क्या? आपने इसको जुगनू के पास क्यों भेजा था? ये तुम्हें कहाँ मिल गई? मैं जुगनू बहन के वहाँ से आ रही थी तो भैया मिल गए। और ये रुपए उसे आपने क्यों भेजे? सुना है आजकल बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई है और पैसे पैसे को मोहताज है, इसलिए तरस खाकर कुछ रुपए भेज दिए। मगर उसने ये चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी? माता जी नमस्ते, मैंने जो कुछ कुर्बानी की थी वो सूरज की मोहब्बत की खातिर की थी। आपके इन रुपयों ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है, मगर इत्मीनान रखिए, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी। जुगनू, कैसे कुर्बानी, कौन सा वादा? मैं कुछ नहीं जानती। माँ ये चिट्ठी कह रही है कि आप सब कुछ जानती हैं और मुझसे छिपा रही हैं। भगवान के लिए मुझे बता दीजिए ये सब क्या है। माँ, मैं पहले ही दुखी हो रहा हूँ, मेरे दुख और न बढ़ाइए। मेरी जिंदगी में इतनी हलचल न मचाइए कि उसकी था न मिल सके। बेटा, इस दबी हुई चिंगारी को कुरेदोगे तो तुम अकेले ही नहीं, सब जल जाएंगे। अब छिपाने से क्या फायदा है माँ, जो होना था वो हो चुका। मेरा कलेजा फट रहा है माँ, मुझे सब साफ साफ बता दो, भगवान के लिए मुझे सब कुछ बता दो। वरना मामता किसी को बेटा कहकर न पुकार सकेगी माँ। बेटा, तुम्हारा और जुगनू का सुख लूटने वाली मैं हूं। तुम्हारे पिता की मजबूरियों से मेरी मामता उस घड़ी अंधी, गूंगी, बहरी हो गई थी। मैं तुम लोगों का सुख न देख सकी, तुम्हारे दिल टूटने की आवाज को सुन न सकी। अपना सुहाग बचाने के लिए उसका सुहाग मांग लाई, वहां जाकर उसके सामने दामन फैलाकर तुम्हें मांगा। उस गरीब के पास जो कुछ था, रोकर हंसकर उसने सब कुछ दे दिया। माँ, अमीर के यहां से मुलम्मा किए हुए जेवर के सिवा कुछ ना मिला,
और उस गरीब के हाथ से आपको सब कुछ मिल गया। शायद यही वजह थी कि मैं उससे नफरत करना चाहता था मगर न कर सकता था, उसे बुरा समझना चाहता था समझ न सकता था। मां, मैं जानता था कि ममता जन्म देती है मगर ये न जानता था कि वो गला भी घोट सकती है। तुमने ये क्या किया जुगनू, तुमने ये सब क्या किया जुगनू? सूरज बाबू आप आ गए, मेरी भी यही तो मन्नत थी मरने से पहले आखिरी बार आपको देख लूं। ऐसा मत कहो जुगनू, ऐसा मत कहो, तुमने बहुत बुरा किया जुगनू। मेरे माँ बाप के लिए तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है जी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। इसमें उनका कोई दोष नहीं, सब किस्मत ने किया है। मोना मेरा इनाम लाओ। जुगनू मुझे माफ कर दो, मैं उनकी इस दोतरफा चाल को नहीं समझ सका जुगनू, मैं नहीं समझ सका सच। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अपनी नासमझी में तुमसे बहुत कुछ कह भी गया हूँ जुगनू, जुगनू मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। पत का निभा दोनों सूरतों में होता है ना, खुशी में हुई तो शादी और गम में हुई तो बर्बादी। ये क्या है मोना? मुझे इनाम मिला है। मुबारक हो। 50,000। मुबारक हो जुगनू, मुबारक हो। सूरज बाबू, मैं जिंदगी भर आपकी रही। मैं ये चाहती हूँ मेरे मरने के बाद जो कुछ मेरा है वो भी आपका हो। तुम नहीं मर सकती जुगनू, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, तुम मेरी हो जुगनू। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे रुपए की जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप को है, उन्हें मेरी तरफ से दे दीजिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जुगनू, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। अगर आपने उनको न दिया तो मैं समझूंगी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, और मैं आराम से मर भी न सकूंगी। ना उम्मीद ना हो जुगनू, तुम अच्छी हो जाओगी, तुम अच्छी हो जाओगी। वक्त जाया न कीजिए, चिराग का तेल खत्म हो चुका, मुद्दत के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। अगर वक्त मिले तो उस जगह जरूर जाइएगा जहां हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। आंखों के आगे अंधेरा जा रहा है, आपकी सूरत नजर आ रही है। मोना,
ये लीजिए, मैं ले आया। ये क्या है सूरज? आप इसको नहीं जानते जिसके लिए आपने अपना सब कुछ भुला दिया। ये आपकी दुनिया है, आपकी मोहब्बत, आपका भगवान। पिताजी, इस पर आपने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। ये लीजिए, ये लीजिए, उठाइए इसे दोनों हाथों से, समेटिए पिताजी, पिताजी से समेटिए, ये लीजिए। 20,000, 50,000, देख क्या रहे हैं आप? मुझे दोनों हाथों से समेटिए। आपको दौलत चाहिए थी, औलाद नहीं चाहिए थी पिताजी, आपको औलाद नहीं चाहिए। वादा करता हूँ, मिला हाथ, वादा करती हूँ ना कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे। वादा। जुगनू, होती है यहाँ पर दो दिलों की दास्तां, खत्म होती है यहाँ पर दो दिलों।